जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेता जनता दरबार में जाने से पहले भगवान के दरबार में नतमस्तक हो रहे हैं। इसी कड़ी में सांसद अनुराग ठाकुर ने चुनाव प्रचार का शुभारंभ करने से पहले बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में हाजिरी लगाई। अनुराग ठाकुर ने विधिवत पूजन करके माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को जिला बिलासपुर के विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में माता की पूजा अर्चना करने के उपरांत अपने चुनाव प्रचार का शुभारंभ किया। अनुराग ठाकुर ने प्राचीन हवन कुंड में आहुतियां डाली और कन्या पूजन करके माता का आशीर्वाद भी प्राप्त किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य प्रदेश का विकास करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित सुखराम के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि पंडित सुखराम और उनके पोते कभी भी भाजपा के सदस्य नहीं रहे, इसलिए भाजपा छोड़कर कांग्रेस में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि उनके प्रयासों से बिलासपुर में एम्स, ऊना में पीजीआई, रेलवे ट्रैक का विस्तार, राष्ट्रीय स्तर के मैचों के लिए बड़े बड़े स्टेडियम, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज, भानुपुली बिलासपुर रेलवे लाइन जैसे अनेकों सुविधाओं से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा और भी विकास कार्य है जिनको गिनाते गिनाते समय लगेगा। देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स अस्पताल बिलासपुर में लेकर आए, 1350 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज है, और इसके अलावा हमने हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज 150 करोड़ रुपये का बिलासपुर में लाए, 4 लेन हाईवे बिलासपुर के लिए 1000 करोड़ रुपये का लेकर आए, और अब भनुपली बिलासपुर रेलवे लाइन बिलासपुर के लिए काम शुरू करवा दिया। क्रिकेट स्टेडियम जहां पर राष्ट्रीय स्तर के मैचेस होते हैं वो यहां पर बनाए, सिंथेटिक ट्रैक से लेकर स्विमिंग पूल, और अब ऊना में IIIT 300 करोड़ रुपये का, इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विद्यालय नंगल ऊना तलवाड़ा, रेलवे लाइन बनाना, 500 करोड़ रुपए का पीजीआई अस्पताल ऊना में लाना, हमीरपुर में 500 बिस्तर का अस्पताल, 100 सीट का मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल टेक्निकल यूनिवर्सिटी, करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी के साथ साथ देहरा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकर आए, और ऊना हमीरपुर रेलवे लाइन भी मंजूर कराई, 2 4 लेन हाईवे मंजूर कराए, 25 नेशनल हाईवे। अब मैं गिनाने लगूं तो शाम तक गिना सकता हूं। जरूरी यह है देश को मजबूत बनाएंगे और हमीरपुर को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएंगे। पंडित सुखराम जी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं बने थे, तो छोड़कर जाने की बात तो दूर की है, ना ही उनके पोते भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने तो छोड़ के जाने की बात दूसरी है। जाने की बात तो तब हो जब ज्वाइनिंग की हो। सिटी चैनल के लिए नैना देवी से मुकेश गौतम की रिपोर्ट।